हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी में जो हमारा इतिहास का पोर्शन है उसमें जो जो टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसकी क्लासें भी बनाएंगे, तो आप लोग सबसे पहले देख लें प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो है पहला प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है प्राचीन भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, तीसरा पॉइंट। और ये हो गया चौथा प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक व राजधानियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये ठीक है। इतने सारे टॉपिक इसमें हैं दोस्तों। और छठवां वैदिक काल का इतिहास, सातवां जैन धर्म, तथ्यों जो प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाते हैं इनका तथ्य ज़्यादा आता है जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। अगला है बौद्ध धर्म का इतिहास, भगवत वैष्णव और शैव धर्म, ईरानी एवं यूरानी आक्रमण, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य, ठीक है ये। अब हम आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल, मूर्ति एवं मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ, गुप्त काल, संपूर्ण जानकारी, ठीक है। हूण कौन थे, पुष्पवती वंश, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत का इतिहास। तो ये जो हम देख रहे हैं ये प्राचीन इतिहास में देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास, सीमावर्ती राजवंशों का इतिहास, राजपूतों के वंश और त्रिपक्षीय संघर्ष और प्राचीन काल का इतिहास रिवीजन नोट्स के साथ हम लोग क्लासें बनाएंगे, तो ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये सभी आपको मिल जाएगा। पोरस कौन था, ठीक है, ये सभी अगर आप ये सभी देखते चल रहे हो, लिखते चल रहे हो और इनकी क्लासें लेते चल रहे हैं तो आपका इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ऑप्शनल इतिहास को, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, तो बने रहें। आगे देखते हैं क्या राखीगढ़ी तथा हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक स्थल, भारतीय इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग, NCERT ई बुक भी देखेंगे, ठीक है। सात ऐसे युद्ध जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया, पाकिस्तान मांगरा, हड़प्पा सभ्यता वाली काशनर्थ की मूर्ति, इसके बारे में देखेंगे। प्राचीन इतिहास 101 तथ्य हम लोग देखेंगे क्विक। तो ये हो गया हमारा प्राचीन इतिहास में, ठीक है। इतना सारा टॉपिक प्राचीन इतिहास में था केवल। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास में। इसमें पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, दूसरा है इस्लाम अवधेय एवं प्रसार, अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, तो ये टॉपिक है इसमें। और अगला टॉपिक है मोहम्मद गोरी, मोजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गोरे, इसके बारे में भी जान लेंगे हम लोग। फिर आता है दिल्ली सल्तनत, सभी वंश देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, इल्तुतमिस का इतिहास देखेंगे, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासक के बारे में भी देखेंगे, गयासुद्दीन बलबन का इतिहास हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब हमारे मध्यकालीन इतिहास में। जलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बाजार नीति, विजय अभियान, मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का अंत, ये सभी हम लोग देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश का संस्थापक, ये भी हम लोग देखेंगे। और इन सबके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को भी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई भी पोर्शन हम लोग छोड़ेंगे नहीं जो आपके एग्ज़ाम में फंसे ना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विफल योजनाएं, जिनकी जैसे उसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता, तो सभी टॉपर ऐसा कोई चांस ही नहीं छोड़ो जो आपके एग्ज़ाम में आपको हार दें, सभी पढ़ डालो जो आपको आपके आयोग ने दिया है सिलेबस, उसके एक एक टॉपिक, ठीक है, कोई भी कमी ना छोड़ो, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, सैयद वंश के बारे में, बहलोल लोधी के वंश, लोधी वंश के बारे में, ठीक है, सिकंदर लोधी का इतिहास देखेंगे, इब्राहिम लोधी का इतिहास देखेंगे, स्वतंत्र प्रांति राज्य, ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर सभी क्लासेस मिलेंगी। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन, बाबर, मुगल, शुरुआत से अंत तक, हुमायूं का इतिहास, मुगल साम्राज्य, तो ये सभी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इतिहास, हिनरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का इतिहास, शाहजहाँ ताजमहल का निर्माता, औरंगजेब जिंदा पीर, इतिहास इनका देखेंगे, मुगलों का पतन, पूरी जानकारी, मुगल प्रशासन, सूर साम्राज्य और शेरशाह सूरी का इतिहास, ठीक है, ये सभी हम लोग देखें। अगर आपने ये सारे टॉपिक देख लिए तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मराठा राज्य, शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं का उदय,
ये टॉपिक विजय शिवाजी के उत्तराधिकारी शिवाजी के बारे में देखेंगे, खालसा पंथ सिखों का उदय, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इतने सारे टॉपिक हैं, आगे देखते हैं। 7 ऐसे युद्ध जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। आगे देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले 10 सबसे क्रूर आक्रमणकारी कौन थे। शेख सलीम चिश्ती, इनके बारे में देखेंगे। फतेहपुर सीकरी, इतिहास, मुख्य इमारतें, इन सब के ये भी हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री ई बुक हम लोग डाउनलोड करके उसको भी क्लास बनाएंगे, ठीक है। ताजमहल से संबंधित कुछ प्रचलित कथाएं हम लोग देखेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये किताब देखने के बाद आपको कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन थे शेद बंधु और क्यों इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। जी के ट्रिक, गुलाम वंशीय शासक की हम लोग अच्छे से हाल समझ लेंगे फटाफट, ठीक है, बने रहना बस। अब रह गया हमारा लास्ट में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अब आ गया हमारा लास्ट का आधुनिक भारत, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगाली, डच हेलोडवासी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम देखेंगे। अंग्रेजों का भारत आगमन देखेंगे, डेनिस का भारत आगमन देखेंगे, ठीक है, यह सब हम लोग देखेंगे। फ्रांसीसियों का भारत आगमन, प्रथम कर्नाटक युद्ध विस्तार पूर्वक देखेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध विस्तार पूर्वक, तृतीय कर्नाटक युद्ध विस्तार पूर्वक, अंग्रेजों की बंगाल विजय विस्तार पूर्वक, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तृतीय वाला देखेंगे, चतुर्थ वाला देखेंगे, प्लासी का युद्ध और सत्ता परिवर्तन देखेंगे, बक्सर युद्ध, लावा संधियां और द्वैत शासन देखेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष प्रथम देखेंगे, आंग्ल मराठा द्वितीय देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक, ये तृतीय देखेंगे, ये आंग्ल सिख संघर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय, इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पिंडारियों का दमन से अच्छे से देखेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंग्ल नेपाल संघर्ष, सुगोली संधि क्या थी, आगे देखते हैं। सिंध और रजवाड़ों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, 1857 का विद्रोह, ठीक है, इसका ऑडियो भी दे देंगे, 1857 के विद्रोह के कारण, ये सभी हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखेंगे, ठीक है। 1857 के बाद हुए नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कृषक आंदोलन, ऐसे टॉपिक जो अभी तक यूपीएससी में आए हैं वो सब और आने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा इसी चैनल पर। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय, 7 ऐसे युद्ध जिन्होंने भारत पर इतिहास बदल दिया। एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री की आधुनिक वाली, ठीक है। ऐसा वायसराय जिसे भारत का रक्षक तथा विजय संचालक कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख व्यक्ति देखेंगे, ये 24 महत्वपूर्ण करण व नारे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा था वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। कामांगता मारू की घटना देखेंगे, 1947 से 2017 तक की 64 बेहद महत्वपूर्ण घटना है, 2017 है, हम यहाँ पर 2021 ले लेंगे, 2022, ठीक है, हम और ढूंढ लेंगे इसको, डोंट वरी, सभी क्लियर हो जाएंगे बस। ये और देख लीजिए, आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक संस्था संगठन आंदोलन, मुस्लिम लिंग की स्थापना, कानवाली संहिता क्या थी, वुड डिस्पेच क्या था, द्वैत शासन बंगाल में, द्वैत शासन, ये सब, ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, तो ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित जानकारी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति देखेंगे, भारतीय धन निकासी देखेंगे, ये सब टॉपिक, ठीक है। अब रह गया ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वाधीनता संग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर करेंगे इसी चैनल पर। स्वतंत्र आंदोलन का प्रथम चरण, स्वतंत्रता आंदोलन में आरंभिक राजनीतिक संगठन, 1897 के पूर्व सिपाही विद्रोह, 1897 का विद्रोह, 1897 विद्रोह के कारण, ये सभी, 1897 के बाद हुए नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख व्यक्ति, मंगल पांडे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो ये सब लिख लें, लिखते चलें और अपने नोट्स भी बनाते चलना वीडियो देखते देखते, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, 65 प्लस
फैक्ट्स हम देख लेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, ये सभी। स्वतंत्र संग्राम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, सूरत अधिवेशन तथा फूट 1907 हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ये भी देखेंगे। माल्ट मिंटो सुधार 1909, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं दिल्ली दरबार 1911, हिंदू महासागर की स्थापना, लखनऊ समझौता 1916 क्या था और क्यों हुआ था, ये सब देखेंगे। होम रूल लिंग आंदोलन 1916 कब क्यों और कैसे स्थापना हुई, ये भी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ एवं क्रांतिकारी गतिविधियाँ, एक सवाल सदैव पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड, इसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा गूगल से सर्च करके खूब अच्छे से काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के उदय एवं क्या थे उनके आरंभिक प्रयोग, ये सभी क्लासे आपको फ्री में मिलेगी, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, फ्री में आपको सब कुछ, ठीक है। पीडीएफ वगैरह सभी टेलीग्राम पर फ्री में। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम सभी देखेंगे। साहित्य स्रोत से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 20 सवाल, ठीक है। क्या 1942 का भारत छोड़ आंदोलन अहिंसक था, ये सब ही हम लोग समझेंगे, पड़ताल करेंगे इसके बारे में, ठीक है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के क्या कारण थे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता में धर्म और रीत से क्या तात्पर्य था, ये सभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। बस आप जो बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ रहने दो, जो बता रहे हैं उसको आप अपने रफ में एक एक नोट्स पॉइंट करके लिख लें, ठीक है। और उसकी क्लासें मिलेंगी और उसके साथ अपना नोट्स बनाते चलें। ये जो कर लिया आपने कंप्लीट, ये जो वीडियो करने के बाद आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया और सारी की सारी क्लास अटेंड की, तो आपका स्ट्रीम पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। गुड बाय फ्रेंड्स।